वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन का जिम्मेदार कौन? बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उंगलियां उठाई गई हैं और काफी सारे रिजाइन यानी कि इस्तीफे भी आना शुरू हो चुके हैं। वर्ल्ड कप 2023 बीच वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक का रिजाइन आता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं जो बोर्ड के अंदर दिक्कत है वो सामने आ रही है। उसके बाद जो चैट लीक का मामला है वो सामने आता है कि भाई ज़का अशरफ और बाबर आजम की एक साथ ढंग से बन नहीं रही है। ज़का अशरफ लगातार कुछ ना कुछ अपनी प्रेस रिलीज देते रहते हैं, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट देते रहते हैं और अपने ही कप्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाते रहते हैं। तमाम सारे क्रिकेटर्स उनको बरा भुला भी कह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि आपको ये करना नहीं चाहिए था बीच वर्ल्ड कप, आपको ये सब कर रहा है, आप पॉलिटिक्स ला रहे हैं एक टीम के अंदर। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इसके बाद सवाल उठाया जाता है बाबर आजम के ऊपर कि भाई बाबर आजम की कप्तानी कैसे हुई है, क्या सारी के सारे हार का जिम्मेदार बाबर आजम है, क्या बाबर आजम बल्लेबाजी ठीक नहीं कर पा रहे, या फिर बाबर आजम की कप्तानी ही एक बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से लगातार टीम हार रही। इसी बीच 1983 के वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा रहे संदीप पाटिल ने इस पे अपना नजरिया, इस पे अपना एक पीओवी शेयर किया है, जहां पर उनका मानना है कि बाबर आजम की कोई गलती नहीं है वर्ल्ड कप 2023 के अंदर पाकिस्तान के खराब प्रदर्शन को लेकर। इन्होंने क्या बोला है आइए जानते हैं। संदीप पाटिल ने बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हार के लिए बाबर आजम को दोषी देना ठीक नहीं है। इस बीच पाकिस्तान टीम के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने वर्ल्ड कप के बीच अपना ही पद छोड़ दिया, उन पर टीम के खराब प्रदर्शन के कारण सवाल उठ रहे थे, इंजमाम पर हितों के टकराव का भी आरोप लगने लग रहा था। तो आपने सुना क्या कहा कि भाई इसके अंदर बाबर आजम की कोई भी गलती नहीं है। इसके अलावा आगे उन्होंने क्या कहा, ऐसा नहीं है कि बाबर ने अच्छी कप्तानी नहीं की, सच तो यह है कि बाबर ने जो टीम खिलाई और जिन खिलाड़ियों को चुना उन्होंने अपनी भूमिका सही ढंग से नहीं निभाई, इसलिए बाबर को दोष देना ठीक नहीं है। यानी कि भाई सबसे पहले कि जिस खिलाड़ी को जो जो रोल दिया गया था वो खिलाड़ी वो रोल अदा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से लगातार पाकिस्तान की टीम मुकाबला हार रही हो, चाहे वो उपकप्तान हो शादाब खान, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई शादाब खान आएंगे, गेंद से विकेट्स लेंगे, बल्ले से प्रदर्शन करेंगे, लेकिन नतीजा क्या होता है, नतीजा होता है फ्लॉप प्रदर्शन शादाब खान का, और एंड में जाते जाते जब जरूरत पड़ती है तो वो भी थोड़ा बहुत प्रदर्शन निकलता है, लेकिन फिर भी जो रिक्वायरमेंट होती है उपकप्तान से वो प्रदर्शन नहीं निकाल पाते शादाब खान। उसामा मेरे को टीम के अंदर शामिल किया जाता है, यानी कि जो मोहम्मद नवाज, शादाब खान और सबका जो कॉम्बो खिलाया था पाकिस्तान स्पिनर्स का, उनका कंट्रीब्यूशन ढंग से नहीं निकलता है, ओपनर इमाम उल हक का फ्लॉप प्रदर्शन जारी रहता है और इनकंसिस्टेंट रहते हैं कौन, इफ्तिकार अहमद और बाकी सारे जो ऑलराउंडर्स होते हैं। नतीजा पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप 2023 के अंदर फ्लॉप से मेगा फ्लॉप हो जाते हैं। इसके अलावा इंजमाम उल हक के लिए क्या कहा संदीप पाटिल ने इंजमाम उल हक के लिए क्या कि जब कोई टीम जीतती है तो आप कोच और कप्तान को सबसे पहले आप उठाते हैं, लेकिन अगर कोई टीम हार जाती है तो कप्तान और कोच के ऊपर ही सवाल उठाए जाते हैं कि आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपने रिजाइन देना चाहिए। और वही हुआ, यहां पर जैसे ही टीम हारने लगी थी तो यहां पर सवाल सिलेक्शन के ऊपर उठने लगे और नतीजा क्या हुआ, इंजमाम उल हक बीच वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम का साथ छोड़कर चले जाते हैं। देखने वाली बात होगी आने वाले मुकाबले कैसे होंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, इंपॉर्टेंट मैचेस है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।